नमस्कार दोस्तों, स्नेक्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में पाए जाने वाले बोवा प्रजाति के सांपों के बारे में। तो दोस्तों, भारत में 3 प्रजाति के बोवा सांप पाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, रसलस अर्थ बोवा। इसको रफ स्केल सैंड बोवा भी बोलते हैं और इसको रफ टेल सैंड बोवा भी बोलते हैं। इनकी लंबाई 3 से 3.5 फीट तक हो सकती है और ये पूरे भारत भर में पाए जाते हैं। इनको देख के आप या तो इसको पाइथन समझ लोगे, अजगर समझ लोगे, या तो ये मिमिक्री करता है रसल वाइपर की, जो काफ़ी जहरीला होता है। तो या तो इसको अजगर समझ लोगे या रसल वाइपर समझ लोगे। ये सुबह 4 से 5 बजे के बीच में बहुत एक्टिव होते हैं और रात को एक्टिव होते हैं। वैसे भी ये सब नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब जो रात में शिकार करता है, रात में जागता है, उसको नॉक्टर्नल बोलते हैं। इनके खुराक में पक्षी, छोटे मैमल्स जैसे गिलहरी, चूहे, ये बड़ी आसानी से शिकार करता है। ये पूरे भारत भर में पाया जाता है। साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पूरे भारत भर में पाया जाता है। दूसरे देशों की बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश में भी पाया जाता है, श्रीलंका में भी पाया जाता है। दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम एरिक कोनिकस है और ये विविपरस प्रजाति का सांप है। विविपरस का मतलब जो जिंदा बच्चों को जन्म देते हैं। नंबर 2, रेड सैंड बोवा। दोस्तों, ये सब बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, ये बिल्कुल आक्रामक नहीं होते। इसका साइंटिफिक नेम एरिस जॉनी है और ये वेस्टर्न, साउदर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 3 फीट के आसपास देखी गई है और इनका मुख्य खुराक है चूहे, गिलहरी, चिपकली, मेंढक, ये उनका बड़ी आसानी से शिकार करता है। एरिस जॉनी एक ओओवीवी परस प्रजाति का सांप है। ये जिंदा बच्चों को जन्म देता है। ओओवीवी परस क्या होता है उसका मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाया है, जो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। और दोस्तों, इनको 2 मुंह वाला सांप भी बोलते हैं। इनका सर और पूंछ एकदम एक जैसी दिखती है, क्योंकि ये इनकी पूंछ को कभी भी इनके ऊपर जब हमला होता है तो ये कुंडी बना के अपनी पूंछ को ऊपर कर देते हैं। तो जो भी शिकारी होते हैं उनकी पूंछ पे हमला करते हैं और उनका हेड एकदम सेफ रहता है। तो इसकी वजह से इनकी पूंछ और जो सर का हिस्सा है वो एक जैसा ही दिखता है, लेकिन इनको 2 मुंह वाला सांप भी कहते हैं। नंबर 3, विटेकस अर्थ बोवा। दोस्तों, ये एक नई प्रजाति है, मतलब ये सब स्पीसीज है जो रसलस अर्थ बोवा है उसकी, ये सब स्पीसीज है विटेकर अर्थ बोवा। ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, कोस्टल रीजन जो है साउथ वेस्ट का, साउथ का वेस्टर्न कोस्टल रीजन में पाया जाता है। इनके स्टेट के बारे में बात करें तो केरला, कर्नाटका, गोवा और साउदर्न महाराष्ट्र में पाया जाता है। इनका मुख्य खुराक रोडेंट होते हैं, रोडेंट जैसे चूहे, गिलहरी, ये आराम से शिकार करता है। इनकी लंबाई 80 सेंटीमीटर तक देखी गई है। ये एक रेयर सांप है तो स्टडीज भी कम हुई है। तो इनकी लंबाई 80 सेंटीमीटर, 3 फीट से छोटे छोटे होते हैं और ये विविपरस प्रजाति का सांप है। विविपरस मतलब बच्चों को जन्म देने वाला। तो इस वीडियो में इतना ही। ये थे भारत के 3 बोवा प्रजाति के सांप। और किसी भी सांपों की जानकारी के लिए उनका नाम कमेंट करिए, हम वो सांप के बारे में तुरंत डिटेल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। और कृपया सांप ना पकड़े, ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाया हुआ है। इस वीडियो से आपकी कोई क्लैरिफिकेशन होने वाली नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन क्लियर होने वाली नहीं है। फोटो में, वीडियो में देख के आप कभी भी कोई भी सांप को पहचान सकते नहीं हो। जब तक एक ट्रेंड आदमी, ट्रेंड प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर, स्नेक कैचर या स्नेक एक्सपर्ट आपको आइडेंटिफिकेशन सिखाता नहीं है, तब तक आप सांप पकड़ नहीं सकते। कृपया सांप ना पकड़े, ये इस वीडियो को आइडेंटिफिकेशन के लिए मत लीजिए। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाया हुआ है। धन्यवाद।